हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन चैनल आज के सेशन में 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस है 20 के बीसों क्वेश्चंस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा दोस्तों जैसा कि मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाई इसके लिए वेरी सॉरी कुछ कारणों की वजह से एंड अब आपका गैपिंग नहीं होगा मैं कोशिश करूँगी की कुछ करंट अफेयर्स भी एक दो दिन में दे दूं और जैसा कि मैं सभी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूं फिर भी मैं ए बीस बीस क्वेश्चन का बीस तारीख तक प्रैक्टिस कराऊंगी उसके बाद जो मध्य प्रदेश में वर्क टू का मेन एग्ज़ाम है फिर यू पी है फिर आगे फिर से बी पी एस सी टी यू फोर आएगा सभी के लिए क्लासेस जो है वीडियो पर डे जारी रहेंगी तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है साइना नेहवाल ने किस ओलंपिक खेल में बैडमिंटन में भारत के लिए कहाँ से पदक जीता था दोस्तों यहाँ पे कहाँ से है कहाँ यहाँ पे राइट यहाँ पे जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है ठीक है कहाँ से पदक जीता था तो किस ओलंपिक में बैडमिंटन में भारत के लिए साइना नेहवाल ने कहा से पदक जीता था तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपने दे दिया होगा 2012 लंदन ओलंपिक 2012 लंदन ओलंपिक में भारत की भारत ने छ पदक जीता था जिसमें से सुशील कुमार छाछ के जी फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीते थे और योगेश्वर दत्त साठ के जी कुश्ती में कांस्य पदक जीते थे एंड निशानेबाजी में विजय कुमार रजत पदक जीते थे और निशानेबाजी में गगन नारंग कांस्य पदक जीते थे एंड बैडमिंटन में साइना नेहवाल 2012 में लंदन में कांस्य पदक जीती और मुक्केबाजी में, में मेरी काम दो में कांस्य पदक जीती नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म से बच्चे की मोटर विकास को प्रभावित करने वाला कारक है फैक्टर अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम बर्थ तो दोस्तों जन्म से जो भी चीजें जन्म से होती है उसे अनुवांशिक यानी जेनेटिक के अंतर्गत लाया जाता है तो जन्म से कुछ की पॉइंट होते हैं जिसमें मिस्टेक आप मत कीजिएगा तो यहाँ पे अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स आपका राइट आंसर होगा यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का गठन किस वर्ष किया हुआ किया गया इनविस्ट ईयर वाज द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी फार्म तो दोस्तों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की जो स्थापना हुआ था दस नवंबर उन्नीस सौ निन्यानवे में हुआ था ये क्वेश्चन पूछा हुआ था हो सकता है इस बार नाडा का पूछे पूछेगा वही चीज लेकिन क्वेश्चन उसी टॉपिक से रहेगा बट वो चीज़ नहीं रहेगा ठीक है तो वाडा की स्थापना दस नवंबर उन्नीस सौ निन्यानवे में स्विट्जरलैंड के स्लूसीन शहर में हुआ इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में पूछ सकता है याद रखिएगा वर्तमान अध्यक्ष जो है जान फाहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री थे दोस्तों भारत में आई ए एस एम इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की स्थापना 1970 में हुआ एंड डोप कंट्रोल सेंटर की स्थापना उन्नीस सौ में हुआ एंड नाडा जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई ने दिल्ली में हुआ मुख्यालय भी नई दिल्ली है एंड इसका नाडा का मोटो है प्ले फेयर एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्मिंग अप क्यों किया जाता है वाई इज वार्मिंग अप डन तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जब हम वार्मिंग अप करते हैं किसी भी क्रिया को प्रशिक्षण करने से पहले तो हमारे मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे चोटें कम आती हैं तो यहाँ पे यहाँ भी हो जाएगा मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए ठीक है हम वार्मिंग अप करते हैं तो लचकता बढ़ता है ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने की क्षमता बढ़ती है शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए यस ये भी राइट है ठीक है तो ए भी राइट है बी भी, भी राइट है ए और बी दोनों राइट है एंड दोस्तों यहाँ पे चयच दर को कम करने के लिए ए गलत है क्योंकि चयचय दर कम नहीं होता है बढ़ता है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ए बी दो राइट हैं, तो उपरोक्त तो में से एक से अधिक यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांच है एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना कहलाती है ए सिस्टमैटिक प्लान ऑफ एथलेटिक और फिजिकल ट्रेनिंग इज कॉल्ड तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं एक व्यवस्थित समय बनाते हैं सर्कल बनाते हैं एक ट्रेनिंग की योजना बनाते हैं उसे हम कहते हैं अवधि अवधिकालीनता अवधिकरण या प्रियोडाइजेशन ठीक है प्रियोडाइजेशन के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है यानी पूरे साल की ट्रेनिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है ताकि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टॉप पर टॉप फॉर्म को अचीव किया जा सके और पीरियलाइजेशन के जो है तीन फेज होते हैं प्रीपेटरी पीरियड कंपटीशन पीरियड एंड ट्रांजिशनल पीरियड प्रिपेटरी पीरियड जो है छः सात महीने का होता है जो उस समय एथलीट को प्रिपेयर कराया जाता है यानी कि प्रिपरेशन कराया जाता है तैयारी किया जाता है और दूसरा होता है कंपटीशन पीरियड जिसमें तीन चार महीने का समय होता है वह समय एथलीट को मेन कंपटीशन होती है तीसरा होता है ट्रांजिशनल पीरियड वह समय जहां एथलीट को रेस्ट दिया जाता है ताकि वह अगले साल फिर से नए पीरियडाइजेशन को शुरू कर दिए रिकवरी फेज जो होता है ट्रांजिशनल पीरियड को एक्टिव रिकवरी फेज भी कहा जाता है याद रखिएगा नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बोरियत से बचने के लिए प्रशिक्षण के तरीकों को बदले ताकि प्रशिक्षण सत्र के दौरान पठार तक न पहुंचे यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को संदर्भित करता है तो दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि वो कार्य का होता हुआ कुछ दिखाई नहीं देता उसे पठार कहते हैं पठार न बने इसके लिए हम करते हैं कि कार्य में थोड़ा बदलाव लाए एक ही प्रकार से प्रशिक्षण देते देते तो खिलाड़ी जो है उब जाता है तो उसमें कुछ बदलाव लाएंगे जिससे उसको एक इंटरेस्ट जगेगा और वह प्रशिक्षण का अच्छा से करेगा उसमें पठार नहीं होगा तो उसे हम विविधता कहेंगे वैरायटी कहेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सफल खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है इस सक्सेसफुल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इज इंक्लूड तो दोस्तों एक सफल खेल प्रशिक्षण तभी संपन्न हो जा सकता है जो साल भर अपना फिटनेस बनाए रखेंगे लक्ष्य पर ध्यान देंगे वर्कआउट की योजना बनाकर काम करेंगे तो यहां पे उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है हु इज डून एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिज साइकोलॉजी तो दोस्तों प्रायोगिक मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम उन्ट ठीक है यहाँ पे विलियम उन्ट आपका राइट आंसर होगा एंड आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो विलियम जेम्स होगा एंड खेल मनोविज्ञान का पिता पूछेगा तो कोलमैन ग्रिफिथ होगा शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थार्नडाइक हैं और बिहारवाद के जनजाता वार्सन है नेक्स्ट है एक प्रेरित व्यवहार किस ओर निर्देशित करता है ए मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूअर्स दोस्तों आप मोटिवेटेड हैं तो आपका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रहेगा भटकेगा नहीं औ, और आप उसको प्राप्त कर लेंगे तो यह हमेशा लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है गोल की तरफ हमेशा ध्यान रखता है एक मोटिवेटेड व्यवहार प्रेरित व्यवहार में ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है टखने की की जोड़ों पर पैर को आगे ऊपर ओर ले जाना क्या कहलाता है मुमेंट्स ऑफ द फुट फॉरवर्ड एंड अपवर्ड एट द एंकल ज्वाइंट इज कॉल्ड तो दोस्तों जब हम टखने के जोड़ों पर जोड़ों पर पैर को आगे की तरफ ऊपर की ओर जाते हैं तो कोण कम होता है दोनों के बीच इसको डॉर्सी फ्लैक्सन कहते हैं क्या कहते हैं डॉर्सी फ्लैक्सन लेकिन जब हम टखने की जोड़ों पर पैर को आगे की तरफ ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो डॉर्सी फ्लैक्सन जब टखने पर पैरों के पैरों को जो उंगलियां हैं उसको नीचे की तरफ झुकाएंगे उंगलियों पर खड़े होंगे तो उसे हम कहेंगे प्लांटर फ्लैक्सन याद रखिएगा प्लांटर फ्लैक्शन द्वितीय प्रकार के उत्तोलक तो का एग्जाम्पल है दोनों में डॉर्सी ती आई टू में पूछा हुआ था अब प्लांटर फ्लैशन पूछ सकता है याद रखिएगा जब पैर ऊपर उप, की ओर आगे की ओर रहेगा टखने के जोड़ पर तो डॉर्सी फ्लैक्सन और पैर नीचे की तरफ रहेगा टखने के जोड़ पर यानी हम उंगलियों पर खड़े रहेंगे तो उसे हम कहेंगे प्लांटर फ्लैक्शन नेक्स्ट है भावना और प्रेरणा दोनों शब्द किस सामान्य लैटिन मूल से आए हुए हैं इमोशन एंड मोटिवेशन बोथ कम फ्रॉम द सम लैटिन रूट। तो दोस्तों इसमें वाला क्वेश्चन है यह नहीं पूछ रहा है कि आपका यह पूछ रहा है कि कहाँ किस लैटिन मूल से आए हुए हैं भावना और प्रेरणा शब्द तो यह दोस्तों मुअर शब्द से आया हुआ है ठीक है मुअर से मोमेंट बना है लैटिन शब्द से मूवर से मोटिवेशन बना है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लिगामेंट को कुल्हे के जोड़ का सबसे मजबूत लिगामेंट कहा जाता है विच लिगामेंट इज कॉल्ड द स्ट्रोंगेस्ट लिगामेंट ऑफ द हिप ज्वाइंट तो दोस्तों के जोड़ का सबसे मजबूत लिगामेंट होता है इलियोफेमोरल लिगामेंट लिगामेंट जो है दो हड्डियों को जोड़ पर जोड़ता है याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी टी टू में पूछा हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों मुक्त वायु क्षेत्र में प्रक्षेपित किसी वस्तु का पथ कहलाता है द पथ ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इन फ्री एयर इज कॉल्ड तो वायु क्षेत्र में प्रक्षेपित किसी वस्तु को आप फेंकते हैं तो आपका जो दोस्तों मैंने आपको किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स में प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्टाइल का नियम बताया हुआ है उसे एक बार आप देख लीजिए तो मुक्त वायु क्षेत्र में जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो जो पथ होता है उसे पर्वलिया का या आवली या पैराबोला कहलाता है जैसे कि हम किसी वस्तु को यहाँ पे फेंक रहे हैं यहां से फेंक रहे हैं तो ये जो पथ होता है इसी को हम कहते हैं पैराबोला तो यहां पे पैराबोला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किसी वस्तु को नब्बे डिग्री पर फेंकेंगे तो कोई दूरी तय नहीं करेगी और किसी वस्तु को यदि पैंतालीस अंश के कोर्ट पर फेंकेंगे तो वह अधिकतम दूरी तय करती है याद रखिएगा एक एक्सटेंशन माउंस क्या करती है दोस्तों मांसपेशी जैसे कि एक फ्लैक्सर होती है एक एक्सटेंसर होती है जो फ्लैक्सर होती है वो मोड़ने के काम आती है यानी कि जोड़ों को कम करता है और जब जो एक्सटेंसर होती है वो फैलाने के काम आती है जो जोड़ों को बढ़ाता है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जो एक्सटेंशन मसल्स होती है जोड़ पर कोड़ों को बढ़ाती है ठीक है जैसे आपको बाँह हो गया बाँह को जब मोड़ेंगे तो वो फ्लैक्सर यानी कि जो बाइसेप्स जो होगा वो फ्लैक्सर मसल्स के रूप में काम कर रही है यानी कि हमारे हाथों के बीच कोड़ जो है वो कम हो रही है जब हम फैलाएंगे एक्सटेंसर करेंगे तो वहाँ पे जो टाइसेस मसल्स होती है वो एक्सटेंसर मसल्स के रूप में काम कर रही है इसका और इसमें जो कोड़ है वो बढ़ रहा है तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे नेक्स्ट दोस्तों फेफड़े किसके द्वारा सुरक्षित रहती हैं लंग्स आर प्रोटेक्टेड बॉय तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो फेफड़े होते हैं उसके सामने स्टर्नम जो वश की मोटी हड्डी होती है दोनों स्टर्नम से दो जो है दोनों तरफ बारह बारह जोड़ी पसलियाँ जुड़ी होती हैं और पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, है। यानी कि जो एक पसलियों के द्वारा एक पिंजरा बन जाता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो फेफड़े होते हैं वो पसलियों के पिंजरे में सुरक्षित रहती हैं तो रिस्क एज आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमैटो टाइप किसका वर्णन करने की एक विधि है सोमैटो टाइप इज मेथड ऑफ डिस्क्रिपिंग वर्ड तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सोमैटो टाइप के रूप में बॉडी टाइप को सिलेंडर ने तीन भागों में बांटा है एंडोमेमोर्फिक मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक यानी इन्होंने मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी को वर्ण करने का एक विधि है सोमेटोटाइप नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 मीटर दौड़ या पैदल परीक्षण का उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है सिक्स हंड्रेड मीटर रन आर वॉक टेस्ट इज यूज टू इवेल्यूट वाट तो दोस्तों आप जान रहे हैं कि छः सौ मीटर दौड़ जो भी एक से दो मिनट के आगे की क्रियाएं होंगी वो सभी इन्डोरेंस में काउंट होंगे तो ज़्यादा समय की जो क्रियाएं होंगी वो कार्डियो रिस्पायटरी इंडोरेंस या सहनशीलता डेवलप करेंगी असहनशलता के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा तो यहाँ पे 600 मीटर दौड़ या वॉक परीक्षण जो है वह इंडोरेंस डेवलप करता है तो दोस्तों इंडोरेंस को हम इंग्लिश में इन्डोरेंस स्टेमिना दोनों रूप से जानते हैं इंडोरेंस को हम धैर्य भी कहते हैं और सहन शक्ति भी कहते हैं तो यहाँ पे ए और सी दोनों राइट होगा यानी इंडोरेंस एंड स्टेमिना दोनों राइट होगा इसलिए यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका राइट होगा याद रखिएगा जो सिमिलर वर्ड है उसको ध्यान दीजिएगा नहीं तो आप यहाँ पे सहन शक्ति लगा के आ जाते खाली और क्वेश्चन गलत हो जाता धैर्य को ही हम सहनशक्ति इंडोरेंस को हम एरोबिक क्षमता भी कहेंगे स्टेमिना भी कहेंगे एंडोरेंस भी कहेंगे धैर्य भी कहेंगे एंड कार्डियोस्पाय इंड भी कहेंगे याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से हृदय सहनशक्ति मापने की विधि नहीं है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट मेथोड ए मेजरिंग कार्डियो वाइस्कुलर इंदोरेंस तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हारवर्ड स्टेट टेस्ट उन्नीस सौ तिरिस में ल्यूसिन ग्रोहा ने बनाया था कार्डियो रिस्पैट्री एंस को मेजर करने के लिए तो यहाँ पर ये यह है और तीसरा है ट्रेड मिल दोस्तों ट्रेड मिल भी है एक कार्डियोस्पटरी इन्दुरेंस को मेजर करता है लेकिन यहाँ पर जो पूसअप है दोस्तों ये पूसअप जो है हमारे हाथों की स्ट्रेंथ को डेवलप करता है इसलिए यह नहीं है यहाँ पे कौन सी विधि नहीं है तो पूसब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कार्डियो स्पायटिक इन्टलुएंस को मेजर नहीं करता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य रहेंगे आप एकदम ध्यान दीजिए बारीकी से क्वेश्चन पढ़ते समय आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में पेट की उपकला कोशिकाएं स्थापित करती हैं इन द बॉडी इपिथीरियल सेल्स ऑफ स्टोमोज इज तो दोस्तों जो हमारा स्टोमोज यानी अमाशा होती है अमाशा में जठर ग्रंथि होती है जठर ग्रंथि से गैस्ट जो है जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस स्थापित होता है जिसके अंदर एस सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम में पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज एंड म्यूसिन इस्त्रावित होता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है भोजन के साथ आए हुए जहरीले पदार्थों कीटाणुओं तथा कंकड़ पत्थर को गला कर नष्ट कर देती है तथा निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदल देती है इसके अलावा भोजन को पचाने में मदद करने वाले एंजाइम जो होते हैं उसमें पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज एंड म्यूसिन होते हैं पैप्सिन जो होता है एसियन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में प्रोटीन से संबंधित भोज्य पदार्थों पर क्रिया करके उसे पेप्टोन में बदलती है यानी प्रोटीन का पाचन करती है दूसरा एंजाइम होता है रेनिन जो दूध को कैसिन में बदलता है यानी मिल्क प्रोटीन यानी दूध को पचाने में मदद करती है रेनिन जो है नवजात शिशु में ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पर कार्बो जो फिर तीसरा होता है गैस्ट्रिक लाइपेज गैस्ट्रिक लाइपेज जो है कम मात्रा में उपस्थित होता है जो फैट्स यानी लिपिड को पचाता है चौथा तो होता है म्यूसिन जो अमाशा की आंतरिक दीवारों पर परत बनाकर एस के प्रभाव से रक्षा करती है नहीं तो एफ सी की दीवार को नष्ट कर सकता था दोस्तों याद रखिएगा अमाशा यानी स्टोमस यानी पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता तथा होता है तथा प्रोटीन वसा के पाचन की यहाँ पे शुरुआत होता है याद रखिएगा भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से ही हो जाती है और भोजन का संपूर्ण पाचन और हमारी छोटी आदि में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऊंचाई तो की बीमारी आमतौर पर निम्न में से किस कारण से होती है एल्टीट्यूड सिकनेस इज यूजली कॉजेड बाई यूज वीच ऑफ द फॉलोविंग तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होना होता जाता है तो यहाँ पे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का आंशिक दबाव ठीक है ऊंचाई की बीमारी क्यों होती है ऑक्सीजन का आंशिक दबाव पार्टियल प्रोसर ऑफ ऑक्सीजन तो दोस्तों ये था आज के सेशन में बीस एम सी क्यूज और बीसों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो भी क्वेश्चन में मिस्टेक होगा कोई आपको संदेह होगा तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जय हिंद